नमस्कार साथियों, आज का हमारा सब्जेक्ट है बिना जन्म पत्रिका दिखाए केवल हस्तरेखा के आधार पर, और हस्तरेखा में भी ये जो मध्यमा उंगली है, ये बीच की उंगली जो है, ये जो कि शनि की उंगली कहलाती है, इस उंगली के नीचे ही शनि पर्वत होता है। इसके लक्षणों के आधार पर नीलम आपको करोड़पति बनाएगा या नीलम आपको नुकसान करेगा, इस विषय पर बृहद चर्चा करूंगा। दोस्तों, ज्योतिष एक बेहद बृहद और व्यापक विषय है। इस विषय में लगातार मेहनत करने की, परिश्रम करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता है। मानव जाति के कल्याण के लिए यह विद्या अपने आप में अद्वितीय है। तो केवल इस उंगली के आधार पर यहाँ और इस उंगली के नीचे ये जो रेखा होती है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। कहीं से भी प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर जो रेखा यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक, ठीक है, उसे कहते हैं भाग्य रेखा। अच्छा, रतन क्या करते हैं? रतन जो है वो बूस्टर का काम करते हैं। तो यदि इस उंगली पर उस प्रकार के लक्षण हैं कि आप नीलम पहन सकते हो, तो वास्तव में आपको यह रतन करोड़पति बनाएगा। तो पूरी जानकारी आपको आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। मध्यमा उंगली पर, ये यहाँ पर, ये सबसे बड़े वाली, यदि इस ये हिस्सा दबा हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से दबा हुआ है ये हिस्सा, और यहाँ पर क्रॉस के निशान हैं, कहीं भी एक या दो क्रॉस का निशान है, प्रकार का क्रॉस का निशान अगर है इस उंगली पर, एक है या दो है, आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, या संयक क्षेत्र पर यहाँ पर जाल बना हुआ है, जाल क्रॉस बना हुआ है, द्वीप बना हुआ है, और शनि रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप नीलम नहीं पहन सकते। नीलम आपको भारी नुकसान करने वाला है। और यदि इस उंगली पर सीधी रेखाएं हैं, बिल्कुल सिंपल रेखाएं हैं, और भाग्य रेखा अच्छी है, कोई गलत लक्षण नहीं है, भाग्य रेखा को दूसरी रेखाएं काट भी नहीं रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नीलम व्यक्ति को 200% फायदा करेगा ही करेगा। ये शनि की उंगली के बराबर में यहाँ पर छेद होने पर, यह ऐसे मिलाओ, इधर छेद है या इधर छेद है, ये भरा हुआ नहीं है, ये हिस्सा मांसल नहीं है, तो भी नीलम नहीं पहनना चाहिए, तो भी नीलम आपके सर में दर्द ही करेगा, पक्की बात है। तो कुल मिलाकर के शनि क्षेत्र पर और मध्यमा उंगली पर नेगेटिव जो साइन है वह होने पर नीलम नहीं पहना जाता। वहाँ पर कोई साइन ना होने पर और शनि का जो क्षेत्र है वह ठीक ठाक होने पर, वहाँ पर दो या तीन रेखाएं होने पर नीलम आपको लाभ करता है। मैं कामना करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।